तुम्हारे क्लब की तरफ से सो आज बर्थडे मनाया जा रहा है क्लब की तरफ से तुम्हारे कितनी खुशी हुई बहुत खुशी हो रही है क्या कहना चाहोगे अपने क्लब के थैंक यू सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा कई साल कितने सालों से यहाँ पे जो है बर्थडे मना रहे मैं क्लब के तीन साल मना सर को कह आज बर्थडे है तो कुछ अलग से मन में होगा कि भाई अगला साल मुझे कहाँ तक पहुँचना है फिल्म भी तुम्हारी आ रही है मेरी फिल्म मुंबई 3 आ रही है और मेरे को भी और आगे खेलना है क्या लगता है कि कैसे जो है ये जो तुम्हारा जर्नी है उसको उसके लिए ट्राई कर रहे हो उसके लिए सक्सेस के लिए कुछ भी हो जाए हाँ पूरी मेहनत कर रहे हो 100% मेहनत सर मेरा सवाल आपसे है कि आप हर साल शम्स का बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करते हैं उसका रीजन क्या है रीजन कैसे उसको अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना रहता है और क्रिकेट से जुड़ा है तो फील्ड पे जो कुछ होता है एज अ प्लेयर फील्ड पे ही होता है और शम्स का फ्रेंड्स का केमिस्ट्री जो है वो कैसी मतलब आप फील होती हो कैसा लगता है और आप मतलब यही ऑर्गेनाइज हमेशा करते हैं वो चीज को लेके आप क्या कहना चाहेंगे उसका बर्थडे अधूरा ना रह जाए इसलिए वो यहीं आके कंप्लीट करना चाहता है क्योंकि दिन भर उसका टाइम यहाँ जाता है जुड़ाव ग्राउंड से है या यहाँ के लोगों से प्लेयर से तो फिर वो यहाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं यहाँ से जो है बहुत सारे सचिन तेंदुलकर निकले हैं कहीं ना कहीं सेम में आपको सचिन तेंदुलकर हो सकता है क्योंकि मेहनत अगर ऐसी जारी रही तो हो सकता है कितना कितना मतलब एक्टिव है ये एज ए क्रिकेट प्लेयर ये कैसे अपनी मेहनत से तो कभी कमी नहीं करता है जैसे कुछ इसका शेड्यूल बहुत टाइट है मतलब जैसे फिल्म से फिर प्रैक्टिस है स्टडीज है वो इतने कम उम्र में बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है सब चीजों को और उसका हार्डवर्क में मतलब कमी नहीं रखता है अपनी तरफ से यहाँ पे जो बच्चे हैं आपके क्लब्स के जो बच्चे हैं उनके साथ उसका रिलेशन उसका रिलेशन अच्छा है ये तो आप लोग को यहाँ इमेज में दिखी जा रहा है जो फोटेज आ रही है आपकी बहुत प्यारा बच्चा है यानी दुलारा बच्चा हाँ सबसे अटैचमेंट है उसका कोई बच्चा बोलेगा उनका बर्थडे है कैसे विश करना चाहिए मेरा फ्रेंड है शम्स मुझे है ना मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये मेरे स्कूल में पहले पढ़ता था इसका जब भी बर्थडे विश हो तो मैं उसको बहुत सारे मतलब सेलिब्रेशन देता हूँ उसके साथ रहता हूँ उसकी हेल्प करता हूँ क्रिकेट में मेरे साथ रहता है हम लोग मतलब अपना वक्त एकदम साथ में ज्यादा गुजारते हैं तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगा वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू शम्स तू इसका बेस्ट फ्रेंड है कौन सी ऐसी चीज है जो तुझे सबसे अच्छी लगती इसकी सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि है ना ये सबके साथ अच्छे से रहता है ये मतलब सबके साथ सबको रिस्पेक्ट करता है ये कहीं ना कहीं मम्मी पापा का संस्कार है यस हाँ मम्मी पापा का तो संस्कार है और ये मतलब किसी की बात को मतलब है ना एक बार बोले तो उसको तू तू मैं नहीं करता एकदम मतलब सही है डिसेंट लड़का हाँ एकदम डिसेंट क्या चाहते हो कि ये भी सचिन बन जाए हाँ एक दिन मैं भी चाहता हूँ कि ये भी क्रिकेट में आए आईपीएल खेले इंडिया के लिए खेले इंडिया के लिए सिलेक्ट हो मेरा मैं भी चाहता हूँ यहाँ से बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है आईपीएल में गए हैं मैंने खुद कवर किया तो कहीं ना कहीं अपने आप को उसमें इसको भी देख रहे हो अपने आप को भी दोनों को देखता हूँ मैं मतलब इसको ज्यादा देखता हूँ मतलब जितने भी दोस्त है ना मैं सबसे ज्यादा मैं इसको देखता हूँ थैंक यू बच्चे का बर्थडे है हर साल यही पे बच्चा जो है बर्थडे मनाता है हर साल इसके लिए यहाँ पे मनाया था क्योंकि हम लोग से बहुत क्लोज है और हम लोग निकलते क्या यहाँ पे इतने साल से खेल रहा हम लोग के साथ मतलब बहुत ज्यादा क्लोज है इसके लिए हर साल यहाँ पे इसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम कुछ साल पहले नौशाद के जो दो बेटे थे वो उन्होंने भी यहीं से स्टार्टिंग किया था और आईपीएल खेल रहे बहुत छोटा बच्चा था कहीं ना कहीं आप उसकी झलक इसमें देखते हैं क्योंकि देख के वैसे ही लगता नहीं जिस हिसाब से अभी ये प्रैक्टिस कर रहा है तो इंशाल्लाह आगे चल के ये आईपीएल के अगर ऐसी करता रहे तो इंडिया खेल लेगा शुभकामनाएं दे रहे थैंक यू